Yesterday's part, types of matrices, can be continued here. Types of matrices in which very few types are remaining here. Types of matrices, next apna jo topic tha, only two or three types are remaining in that one. कल अपने स्टार्ट करे थे यहाँ पर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है, ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में दो प्रकार है, एक मतलब है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एंड सेकंड थिंग इज दैट लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ज्यादा आगे था मतलब उसके आगे देखेंगे अपन अभी, ये नो the next part of that one that will continue here. So what is the next part? Yes, you know, so in that one first matrix is the upper triangular matrix. Whenever upper triangular matrix is concerned, first come the definition is that a square matrix A is equal to Aij is said to be an upper triangular matrix, comma, if all the elements below the diagonal is zero. That is, the condition is that very clear. The matrix A is equal to Aij. This matrix of order n by n means it is a square matrix. This matrix is said to be an upper triangular matrix. If condition is not, there is a condition here. If Aij is equal to 0 for I greater than j is there. But the upper triangular matrix एक ऐसा matrix है जिसमें diagonal के नीचे के elements अगर से zero है तो cell पे इसको क्या बोलेंगे अपन, upper triangular matrix। जैसे कि for example उसके example लेंगे अपन, A is equal to एक matrix है 3x3 का लिए समझोगे, मतलब square matrix 3x3 का, तो elements कैसे रहेंगे इसमें, A11 first element ऐसा, A12, A13, then afterward ये element is a zero, it is a A22, it is a A23, it is again 0, it is again 0, and it is A33. If you observe here, in matrices, the position of elements are fixed here. Okay. So here, this A11, A12, A13. So what we can say that here 1-1 means I is equal to J. 2-2 means I is equal to J. And 3-3 means I is equal to J. So here, I is equal to J, I is equal to J, or I is equal to J, only ki wajah se. Ye elements kya hoge? These are said to be the diagonal elements. तो अपर ट्रायंगुलर की ये कंडीशन क्या है, अगर से डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स अगर से जीरो रहेंगे तो मैट्रिक्स क्या रहेगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सीधी डेफिनेशन। और अगर से कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखने का तो ये कंडीशन समझ लो कि कोई भी मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स हो भी, स्क्वायर मैट्रिक्स, n बाय n मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम वाले मैट्रिक्स में, अगर से उसके एलिमेंट्स ये जो है Aij denotes the element in that matrix, मैट्रिक्स के एलिमेंट जीरो है अगर से I ग्रेटर देन J। तो देखो अभी I ग्रेटर देन J का मतलब क्या, देखो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एलिमेंट देखो 1 2, वो I 1 है और J 2 है, तो यहाँ पे I लेस देन J है तो ये एलिमेंट जीरो नहीं होगा। उसके बाद में 1 3 है, मतलब I 1 है और J कितना है 3 है, तो यहाँ पे I लेस देन J है, यहाँ पे भी I लेस देन J है। अब यहाँ पे सबको मालूम है ये जीरो है तो इसकी पोजिशन क्या है, ये एलिमेंट ऐसा रहा होगा A21 की जगह पे कितना है अपना 0, बराबर है। तो यहाँ पर तो बात हुई A21 is equal to 0, क्यों यहाँ पे A21 0 हो गया, तो इस पे कंडीशन क्या थी कि ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट 0 रहेगा जिसके लिए I greater than J के लिए, तो यहाँ पे I 2 है और J 1 है, इसका मतलब I greater than J है, इस वजह से ये एलिमेंट क्या हो गया 0। उसी तरीके से हम ये एलिमेंट को देखेंगे A31, ये भी एलिमेंट क्या हो गया 0, किस कारण से, I 3 है और J 1, ठीक है, तो I greater than J है तो कंडीशन 0। और फिर से A32 that is equal to again 0, here I is a 3 and J is 2, again I greater than J is there, so because of that these three elements are 0, so it is the meaning of I greater than J, A21, A31 और A32, ये तीन एलिमेंट जीरो हो गए, इसका कारण यही है कि I greater than क्या है, J है। तो डेफिनेशन एकदम क्लियर, a matrix A is equal to Aij or a square matrix A is equal to Aij is said to be an upper triangular matrix, तब बोलेंगे अगर से इसके एलिमेंट जीरो है for I greater than J की, मतलब ऐसे एलिमेंट जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो है तो वो मैट्रिक्स क्या बोलेंगे अपन, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज देयर। ओके, अपर ट्रायंगुलर के बाद उसके बाद है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द अपोजिट टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन हियर, सेम डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij,
of order n by n is said to be a lower triangular matrix if, comma, if all the elements below the diagonal are below था वो ऊपर देखो यहाँ पे कंफ्यूज होते अपर अगर सर यहाँ तो एलिमेंट कहाँ के डायगोनल के बिलो है और अगर से लोअर है तो एलिमेंट कहाँ से रहेंगे डायगोनल के अबो रहेंगे इफ ऑल द एलिमेंट्स अबो द डायगोनल आर जीरो दैट इज व्हाट इज द कंडीशन हियर सेम कंडीशन यहाँ पर लोअर ट्राइंगुलर के लिए एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए आई जे जिसका ऑर्डर एन बाई एन है स्क्वायर मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स को बोलेंगे अपन लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अबो द डायगोनल इज जीरो इसका मतलब दैट इज सीधे भाषा में ए आई जे जीरो है मतलब ये मैट्रिक्स के एलिमेंट जीरो है किसके लिए फॉर आई लेस देन जे अगर से आई लेस देन जे है तो उस टाइम पे इसके एलिमेंट्स क्या रहेंगे जीरो तो सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन देखना पड़ेगा मतलब एग्जांपल देना पड़ेगा तो कैसा एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए टाइप का तो एलिमेंट्स कैसे रहेंगे यहाँ पे ए वन वन यहाँ पे आई इज इक्वल टू जे है ये एलिमेंट क्या रहता है ए वन टू राइट है आई लेस देन जे तो ये एलिमेंट क्या होगा अंदर जीरो तो मैट्रिक्स के एलिमेंट जीरो कब रहेंगे आई लेस देन जे के लिए ये भी क्या रहता है आई लेस देन जे रहता है वन थ्री ये भी क्या रहता है आई लेस देन जे ठीक है बाकी सब क्या रहेगा यहाँ पे ए ए टू वन एज इट इज ये ए टू टू एज इट इज ये ए थ्री वन एज इट इज ये ए थ्री टू एज इट इज और ये ए थ्री थ्री दिस वन सो दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी द लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज देयर वेरी सिंपल वन तो अपर ट्राइंगुलर अगर से मालूम है तो लोअर ट्राइंगुलर उसका अपोजिट है अपर ट्राइंगुलर में ऑल द एलिमेंट्स below the diagonal are zero and in lower triangular matrix all the elements above the diagonal is zero condition is very clear ye important hai isme definition important nahi isme iska compact form important hai ye compact form yaad rakhna chahiye ki koi bhi matrix ke elements zero hai par i greater than j apne dimag mein aana chahiye i greater than j matlab teen hi condition hai 3 by 3 mein a 2 1 i greater than j a 3 1 i greater than j a 3 2 i greater than j तो जो भी i greater than j के एलिमेंट है वो सब एलिमेंट क्या रहेंगे मैट्रिक्स में जीरो और बाकी सब क्या रहेंगे नॉन जीरो मतलब नॉन जीरो रह भी सकते हैं नहीं रह सकते व्हाटएवर मे बी मगर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कंपलसरी इसके तीन एलिमेंट क्या होंगे डायगोनल के नीचे जीरो तो ये मैट्रिक्स क्या रहेगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स उसी प्रकार से लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में ऑल द एलिमेंट्स ये डायगोनल है इसे डायगोनल ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर जीरो दैट दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी द लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज दैट और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो बताया था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या इफ अ मैट्रिक्स इज डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज दैट इफ अ मैट्रिक्स इज आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर देन सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर कॉल्ड एज अपर सॉरी ट्रायंगुलर मैट्रिसेस तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दोनों भी आएंगे अपर और लोअर सेपरेट अगर से ट्रायंगुलर मैट्रिसेस देखने का है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों में से एक भी इज सेड टू बी द ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इज देयर ओके सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ टाइप नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ दैट वन अगले टाइप की तरफ जाएंगे तो अगला टाइप जो इस प्रकार से सी हियर नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ दैट वन नेक्स्ट टाइप लेंगे इसके बाद हम तो नेक्स्ट टाइप में क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो जैसा कि वर्ड है डिनोट करने वाला ट्रांसपोज जैसे ट्रांसपोर्ट का मेरे था ट्रांसपोर्ट का काम क्या था एक जगह से दूसरे जगह ले जाना इट्स सेड टू बी द ट्रांसपोर्ट ऑफ दैट वन उसी तरीके से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में भी वही काम है इसकी डेफिनेशन ऐसी है सिंपल अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द मैट्रिक्स कैपिटल ए बाय बाय ट्रांसफॉर्मिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज और बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम तो रोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स का अगर से ट्रांसपोज लेना है तो जो मैट्रिक्स दी हुई रहेगी वो मैट्रिक्स के रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम और कॉलम्स आर कन्वर्टेड इनटू रोज इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सो सी हियर नाउ वन मिनट सम पीपल्स आर वेटिंग हियर सो
What is the definition here? Very clear. A matrix obtained from capital A by interchanging its rows into column or column into rows is called the transpose of matrix. It is denoted by A dash or A raised to T. दोनों में से एक. एक तो A dash का मतलब भी transpose of matrix है और A raised to T का मतलब भी क्या है? Transpose of that one. ठीक है. तो transpose of matrix मतलब कैसा? समझो एक matrix है आपके पास. A is equal to 1, 3, minus 2, 0, 1, 4. This is the matrix given to us. And suppose the this one. पहले से order करो. What is the order of the matrix? How many rows are there? There are two rows. And how many columns are there? One column, two column, three column. So order is nothing but two by three. Two rows and three columns are present. So order is 2 by 3. We have taken the transpose of that one. So AT, A raised to T, or with A dash. Dono mein se. So A transpose is nothing but it is obtained by interchanging rows into column or column into rows. It is called as a transpose of matrix. So this is the row. We have to convert into the column here. 1, 3, minus 2. It is a row. Now it becomes the column here. And the order is not changed here. Agar say A 2 by 3 A. So transpose lene ke baad, iska order kya hoga dekho. Ye kitne rows hoge? Ek row, do row, teen row, do column. Iska order kitna ulta ho gaya. Iska 3 by 2. Ye agar say 2 by 3 A. So transpose lene ke baad ulta. Matlab kitna milega? 3 by 2 is there. So ekdam simple definition hai. Transpose of matrix ke definition ekdam simple hai. A matrix obtained from capital A by interchanging its rows into column or column into rows. है ना, बराबर है ना. जैसे कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स के रोज थे तो ये क्या हो गया? कॉलम हो गया. और उसी तरीके से ये मैट्रिक्स का ये कॉलम था तो ये जाके क्या हो गया? रोज हो गया. इसलिए वर्ड ऐसा आया. अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, क्या वर्ड आया? अ मैट्रिक्स कैपिटल, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैट्रिक्स कैपिटल ए बाय इंटरचेंजिंग रोज इंटू कॉलम, रोज इंटू कॉलम या और कॉलम इनटू रोस. मतलब जो रोस थे ऑटोमेटिकली क्या हो गया? उसमें कॉलम्स हो गए. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दैट वन. एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आइदर ए डैश और ए रेस्ट टू टी. दोनों में से एक कोई भी एक से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं. अब उसकी कुछ प्रॉपर्टी है. सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर से फॉर एग्जाम्पल वही प्रॉपर्टी तो ये कि अगर से मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 by 3 है, जैसा फॉर एग्जाम्पल, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 by 2. मतलब उल्टा होगा. मतलब इन जनरल अगर से हम बात करेंगे तो अगर से कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m by n है तो आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज इट कन्वर्टेड इनटू, इट चेंजेस इनटू व्हिच वन? n by n. मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा? चेंज. जैसे कि यहां पे एग्जांपल में बताया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 3, ट्रांसपोज लेने के बाद ऑर्डर कितना होगा उसका? 3 by 3. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट नोट इज दैट. सेकेंड वन इज दैट कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फिर से उसका ट्रांसपोज लेंगे तो अपने को वही फिर से मैट्रिक्स मिलेंगे. मतलब ए, सिंपल सी बात है. जैसे कि दिस वन, इसको अच्छे से लिखेंगे. कोई भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फिर से उसका ट्रांसपोज लेंगे तो फिर से क्या मिलेगा अपने को? ए मैट्रिक्स. जैसे कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज इतना आया. अब इसका ट्रांसपोज लेने के बाद फिर से उसका अगर से ट्रांसपोज लिए तो फिर से क्या होगा? देखो, फिर से इसके जो रोज है वो क्या में कन्वर्ट होंगे? कॉलम में. ये रो है, क्या में कन्वर्ट होंगी? कॉलम में. ये रो है, इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द कॉलम. तो ये मैट्रिक्स को देखने के बाद ये फिर से क्या है? अपनी ए है. ये सेकंड प्रॉपर्टी इसकी कि कोई भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगर से फिर से ट्रांसपोज मिलेंगे तो अपने को क्या मिलेंगे? वही सेम मैट्रिक्स मिलेगी. दिस वन, इट इज द सेम वन. A transpose का transpose that is equal to matrix itself means capital A is there. Okay, now we proceed to the next type. और इसके बाद बस इतने इसके notes के important जो points बोलते हैं, इसमें दो property है. Order एक तो बदल जाएगा और उसके बाद transpose का transpose देने से वही matrix आएगी फिर से. तो ये होगा transpose of matrix. जैसा कि word है transpose, उस पर dependent transport का मतलब एक जगह से दूसरे जगह. Transpose में भी वही होता, जो रोज है इतने मैट्रिक्स का वो कॉलम में कन्वर्ट होते हैं या फिर कॉलम के अगर से तो रोज में कन्वर्ट होंगे. सो इट इज द इंपॉर्टेंट वन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टाइप. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट टाइप है इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स.
Proceed to the next type is the symmetric matrix. Next type is the symmetric matrix. Symmetric matrix. जैसे कि नाम है सिमेट्रिक का मतलब सबको मालूम है ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना है, इसे तो बोलते हैं सिमेट्रिक वन, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी वही है, यहाँ पर डेफिनेशन ऐसी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि अ मैट्रिक्स और अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, कंडीशन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। देखो समझ लो, अभी तो खाली मुझे डेफिनेशन पढ़ा है, इसको समझाना बाकी है। ये खाली मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाय n, मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, जब भी n बाय n आए तो समझ में आना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स a इज इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर n बाय n, मतलब अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंडीशन क्या होता है यहां पे, अपन इफ a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज, ये थोड़ी हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज, ये बात में समझेगा। सादे भाषा में ऐसा है इसका मतलब कि A square matrix A is equal to Aij is said to be symmetric matrix if the elements above the diagonal and below the diagonal are same, then such matrix is said to be the symmetric matrix। ये तो compact form हो गया, थोड़ा high level हो गया, simple भाषा में इतना है कि अगर से कोई भी matrix में diagonal के ऊपर के element और diagonal के नीचे के element अगर से same है तो this matrix is said to be the symmetric matrix। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स लेंगे अपन, मैट्रिक्स को इस प्रकार के ए बी सी देन एच जी एफ देन एच जी एफ इज देयर, सो इट इज इंपॉर्टेंट वन। देखो यहां पे दिस इज द थिंग बट डायगोनल, क्यों डायगोनल है ये, क्योंकि यहां पे ए कहां पर प्रेजेंट है, ए 1 1 में, बी कहां पे प्रेजेंट है, ए 2 2 पर, और सी कहां पे प्रेजेंट है, ए 3 पर। दिस इज द थिंग बट इट इज आवर डायगोनल एलिमेंट्स and elements above the diagonal HGF and elements below the diagonal HGF दोनों कैसा है, same है, तो इस वजह से ये matrix क्या है, symmetric matrix है अपनी सादी भाषा में, ठीक है। तो सादी भाषा में सबसे पहले definition समझो, a square matrix is said to be the symmetric matrix if all the elements above the diagonal and below the diagonal are the same, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अपने compact form के definition में आप कि कोई भी मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर से सिमेट्रिक है तब, अगर से ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है तब। अब देखो जैसा ये मैट्रिक्स ए है, अब इसका मेरे को ए ट्रांसपोज लेके बताओ, ए ट्रांसपोज, सो व्हाट इज द ए ट्रांसपोज ऑफ दैट वन, और इसका ट्रांसपोज क्या आएगा सबको मालूम है, ए एच जी रो है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉलम में, एच बी एफ रो में है, so we can write in terms of column is here, again G F C ये row में है, again we can write in terms of column is there। अब बोलो क्या फर्क है, ये diagonal A B C हो गया, diagonal के ऊपर फिर से H G F और नीचे भी क्या H G F, means elements above the diagonal and below the diagonal are the same one again, so here we can say that the matrix capital A is equal to A transpose, मतलब जो मैट्रिक्स ए था और जो ट्रांसपोज है दोनों क्या है सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस कारण से ये मैट्रिक्स क्या है तुम्हारी, कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसा बोलेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब है, जब उसका कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर से लिए तो ये वाला ट्रांसपोज और ये भी मैट्रिक्स दोनों अगर से सेम है तो इट इज सेड टू बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सादे भाषा में डेफिनेशन क्या, a matrix is said to be the symmetric matrix if all the elements above the diagonal and below the diagonal are the same one, then such matrix is said to be the which matrix, symmetric matrix is there, very simple one। aur ye yaad rakho a is equal to a transpose, ab sir compact form aur iske aage ye to simple form hai, a is equal to transpose ye bhi simple ho gaya, iska compact form ho to actual ye rahega, dekho ki ek matrix a is equal to compact form matlab kya, actual apan we have to define the condition on their elements, compact form mein kya karte hain hum, condition define karte hain kiske matrix ke elements pe, to ispe condition kya rahegi ki koi bhi matrix a is equal to aij square matrix hai wo symmetric matrix hai, to conditions we have to define on their elements, so what is the condition here,
इफ वेरी सिंपल वन, सबके सबके समझ में आ गया होगा। देखो A11, A22, A33 जीरो डायगोनल हो गया, क्या समझो यहाँ पे A12 इज इक्वल टू A21, मतलब जितना A12 है उतना A21 है, जितना A13 है उतना A31 है, जितना A23 है उतना ही A32 है। मतलब कंडीशन क्या है मालूम है यहाँ पे, कंडीशन है इफ Aij इज इक्वल टू Aji इज देयर, कंडीशन इज व्हाट, इफ Aij इज इक्वल टू Aji, सिंपल क्लियर है ना। Aij इज इक्वल टू Aji मतलब जितना A12 है उतना ही A21 है, इसकी पोजीशन क्या रहेगी A12, इसकी पोजीशन कितनी है A21, तो A12 इज इक्वल टू A21, सो इट इज अ सिमेट्रिक वन। फिर यहां पे जितना A13 है उतना ही A31 है, और जितना A23 है उतना ही कितना है अपने पास A32 इज देयर। सो इट इज अ कंडीशन फॉर अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज सेट टू बी एन symmetric matrix if condition is what Aij is equal to Aji. This is the important condition, Aij is equal to Aji. And what is the next condition, that if A transpose is equal, A is equal to A transpose, agar se koi bhi matrix ka transpose hai wo agar se same hai to wo bhi matrix kya hai, symmetric matrix hai. So this is a simple one. Okay, so it is all about symmetric matrix, very simple one. I hope samajh mein aaya hoga। डायगोनल है ऊपर और नीचे के लिमिट सेम है, मगर ये याद में रखना है, याद क्या रखेंगे, ये Aij इज इक्वल टू Aji, ठीक है। चलो अगला अगला टाइप लेंगे हम इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद, नेक्स्ट टाइप इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट टाइप आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये द नेक्स्ट मैट्रिक्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज द Q symmetric matrix is there. देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहां पे डेफिनेशन S की आएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर n बाय n इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले इफ सिंपल भाषा में इफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज बट इट इज इन टर्म्स ऑफ माइनस साइन इज देयर, इफ A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, वहां पे क्या था सिमेट्रिक में A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ डिफरेंस क्या क्या है माइनस का, ये हो गया। अब सारी डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज सेड टू बी एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ all the diagonal elements are zero and the elements above the diagonal and below the diagonal are opposite to each other. You have to repeat the definition. A square matrix A is equal to Aij is said to be a skew symmetric matrix if all the diagonal elements are zero and the elements above the diagonal and below the diagonal are opposite to each other. सबसे important property है, अभी तक क्या पढ़े थे कि diagonal कभी zero नहीं हुआ, ये एक ऐसी type है जिसमें diagonal element पूरे के पूरे क्या रहते zero रहते, सबसे important condition, अभी तक non diagonal भी condition थी, अगर आप condition काम नहीं कर रहे हैं, example देता है इसको, जैसे for example एक matrix चलिए अपने, A is equal to one matrix is there, तो पहली कंडीशन क्या होता है यहाँ पे अपन ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, सबसे पहला काम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पूरे डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहते हैं जीरो एंड द एलिमेंट्स अबो द डायगोनल एंड बिलो द डायगोनल आर अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर का मीनिंग कैसा, ये समझो टू है, ये माइनस थ्री है और ये माइनस फोर है समझो, तो the elements above the diagonal and below the diagonal are opposite to each other का मतलब ये अगर से 2 है तो ये diagonal के नीचे ये जो position आएगा ये क्या रहेगा minus 2 इज देयर, उसी तरीके से ये अगर से minus 3 है तो ये क्या आएगा plus 3 opposite, ये minus है तो ये plus रहेगा, ये minus है तो ये क्या रहेगा plus रहेगा। इस द कंडीशन
the elements above the diagonal and below the diagonal are opposite to each other. ये plus है तो ये minus है तो ये minus है तो ये plus. ये condition है. Very simple one. So what happens now here? So definition is very clear here. A square matrix A is equal to AIJ is said to be a skew symmetric matrix. First condition, if all the diagonal elements are zero and the elements above the diagonal and below the diagonal are opposite to each other. ये हो गया अपने सादी भाषा में. अब इसको ही अगर से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का है तो कैसा लिखेंगे ये देखो. कि कोई भी मैट्रिक्स है A इक्वल टू ए आई जे जिसका ऑर्डर n बाई n है. ऑर्डर n बाई n है इसका मतलब वो कौन सी मैट्रिक्स है. इट इज एन व्हिच मैट्रिक्स. इट इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज देयर. तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाई n इज सेड टू बी एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. पहली कंडीशन क्या है. इफ पहले एलिमेंट पे कंडीशन डाली गई पर इफ बोलो वाला कंडीशन सबके सामने आया था. सिमेट्रिक में क्या था. ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बराबर. ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई. तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या रेफरेंस रहेगा. इफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई इज देयर. सिर्फ माइनस का डिफरेंस रहेगा. If aij is equal to minus aji is there. तो यहाँ पे अगर से ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस अपोजिट टू ईच अदर है. इस कारण से स्क्यू सिमेट्रिक में कंडीशन क्या आएंगी. If aij is equal to minus aji and again condition it is equal to zero. Limit aij is equal to zero for I is equal to j. I is equal to j means we are talking about the diagonal elements of that matrices. Okay. If I is equal to J is there, it means it is diagonal element. It means all the diagonal elements are zero, and all AIJ means all non-diagonals are opposite to each other. This is the condition. उसके बाद ये भी condition बताया था मैंने. A is equal to minus A transpose. तो उसके लिए क्या करो. पहले ये matrix का A transpose लो. फिर इसको minus A multiply करो. ये matrix और matrix क्या आएगा. C. नहीं समझा मुझे देखो. सबसे पहले इसका transpose लेंगे. A transpose. What is A transpose? Converting rows into column. It is a row. Now it becomes column. It is a row. Now it becomes column. This one you can write properly. It is a row. Now it becomes column. Okay, ये होगा इसका A transpose. A transpose को अगर से इसको minus से multiply करें अपने मतलब minus A transpose. तो minus A transpose से multiply करने का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से. तो क्या होगा देखो. माइनस जीरो जीरो माइनस माइनस प्लस टू. ये हो गया माइनस थ्री. ये हो गया माइनस टू. ये हो गया जीरो. ये हो गया माइनस फोर. ये हो गया प्लस थ्री. ये हो गया प्लस फोर और ये जीरो. अब ये मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो देखो. जीरो टू माइनस थ्री. जीरो टू माइनस थ्री. माइनस टू जीरो माइनस फोर. माइनस टू जीरो माइनस फोर. थ्री फोर जीरो. मतलब ये मैट्रिक्स तुमको क्या दिख रहा है. ए तो A इज इक्वल टू कितना आया अगेन माइनस A ट्रांसपोज. ये कंडीशन जो थी दिस वन ये A ट्रांसपोज. तो दोनों मेथड से याद रखेंगे अपन. पहली मेथड क्या है. डेफिनेशन क्या है पहली. स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ इज सेड टू बी एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज एक तो पहला. या फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म में इफ AIJ इज इक्वल टू माइनस एजीआई. इफ एआईजे इज इक्वल टू माइनस एजीआई. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहते हैं जीरो. तो वेरी सिंपल वन. दिस टाइप इज सेड टू बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक अपन ने सब कंडीशन नॉन डायगोनल पे बोली वाली. ये मात्र एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें कंडीशन कहां है डायगोनल पे. इसके ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो and all non-elements are opposite to each other, such matrix is said to be a skew symmetric matrix. Okay, so now we proceed to the last type of the matrix. The last type of matrix is very simple one.
सो व्हाट वी डन हियर, लास्ट टाइप की तरफ जाएंगे मैट्रिक्स का. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी. आप बोल सकते हैं अपना वीडियो अनम्यूट करके, ऑडियो जो है अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समझ में आया किसी को, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो अपना ऑडियो अनम्यूट करो और पूछ सकते हैं. एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वन यू कैन आस्क मी. ओके सो नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टाइम इज द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. वेरी लास्ट टाइम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. So determinant of matrix is nothing but it is the last type of the matrix here. It is determinant of matrix in which there are two types are there. First one is a singular matrix. It is the first type. And second type is the non-singular matrix is there. Singular matrix and then non-singular matrix is there. इसमें दो type अलग से. डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के दो अलग से टाइप, एक आएगा सिंगुलर और एक आएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. अब देखो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मीनिंग क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऐसी मैट्रिक्स है, वन मिनट, यस देख, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऐसी मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 2 2 1 1 इज देयर. अब ये मैट्रिक्स का अगर से हमने डिटरमिनेंट ले लिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 2 1 1 is there. Determinant लेने के बाद ये हो गया 2 minus 2 that is equal to कितना 0. तो determinant कितना आ गया 0. तो कोई भी matrix का determinant लेने के बाद वो अगर से 0 है तो this matrix it is n or it is a which matrix it is a singular matrix. It is a singular matrix. तो क्या करेंगे, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है चेक करने का है. तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेंगे, डिटरमिनेंट अगर से 0 आया तो वी कैन से दैट इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो वो मैट्रिक्स कौन सा है अपना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. उसके एग्जांपल कुछ बोले रैंडमली, रैंडमली समझो हमने कुछ ऐसा ले लिया कि एक मैट्रिक्स बी है 4 minus 3 2 1 ऐसी है मैट्रिक्स, इसका अगर से मैंने डिटरमिनेंट ले लिया तो ये मुझे मिला 4 minus 3 2 1 ऐसा. सॉरी डिटरमिनेंट मतलब डिटरमिनेंट, देखो दोनों में डिफरेंस है. डिटरमिनेंट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल बार्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिटन इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस. तो दोनों में डिफरेंस है. इसके लिए तुमने ऐसा लिख दिया इसके वैल्यू निकाले वी गॉट 0 मार्क इन एग्जामिनेशन बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स. दोनों में डिफरेंस है, डिटरमिनेंट की वैल्यू फिक्स रहती है मगर मैट्रिक्स की वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, खाली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर की अरेंजमेंट है. एक अलमारी की वैसा कपबोर्ड की वैसा काम करता है, उसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते. और डिटरमिनेंट के क्या कर सकते हैं, हर डिटरमिनेंट को अपन सॉल्व करके उसकी फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ये डिफरेंस है. यहाँ पे गलती से भी ऐसा नहीं होना कि यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल कर अपन यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देते, यू गॉट 0 मार्क्स इन एग्जामिनेशन. देयर इज अ वेरी डिफरेंस, लॉट्स ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन देम. सो सी नाउ 1 मिनट वन कॉल इज देयर. Okay. So after finding determinant, it is nothing but 4 into 1, 4 AD. Formula ka minus, minus 3 root is nothing, minus 6. So 4 plus 6, that is equal to 10. Means not equal to 0 is there. Ye equal to 0 nahi aaya. Iska matlab ye matrix kaun sa hai? This matrix is said to be a, this matrix is said to be a non-singular matrix. So determinant of matrix ke do prakar hai. एक है सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. कोई भी मैट्रिक्स का सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है कैसे चेक करेंगे, वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे. डिटरमिनेंट यदि 0 है तो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है. और अगर से उसका डिटरमिनेंट निकाला और उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. अब इसका यूज कहां है, इसका एप्लीकेशन कहां है, जब हम कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो उस समय सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है. इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज जो कि 12th स्टैंडर्ड में इनवर्स निकालेगा, अगर 11th में नहीं तो कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है समझो इसका बोला ये ए मैट्रिक्स है, इसका निकालो बोला ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स. तो ए इनवर्स मतलब इसका उल्टा. तो उल्टा निकालने के लिए सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स लो
उसका अगर से इनवर्स निकालने का है तो सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट देखना पड़ता है। डिटरमिनेंट